नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं स्वजा डॉक्टर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने का कैसा रहेगा आपका संपूर्ण महीने का राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, आय, विदेश यात्रा, विवाह, दाम्पत्य, लव लाइफ, संपत्ति, सुख, संतान, सभी छोटे छोटे महत्वपूर्ण चीजों का, जिसका जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व होता है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पूर्व आपको यह बता दूं, है तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित। आपको बृहद जानकारी लेना है तो आप लग्न के हिसाब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन है चंद्र राशि के हिसाब से। एक और जानकारी मैं दे दूं, मेरी यूट्यूब की दूसरी चैनल जो है आरजी जेम्स, इस पर भी आप जाएं, आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें रत्नों की संपूर्ण जानकारी मैं बहुत ही बृहद रूप से देता हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। तो प्रिय कर्क राशि वाले, अक्टूबर महीने में जो भी ग्रहों का गोचर होगा, इसकी जानकारी मैंने ऊपर दे दी है। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। कर्क राशि वाले, देखिए, कर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र के अधिपति आपके मंगल हैं, और मंगल जो है ये 16 अक्टूबर तक आय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कर्म का मालिक का आय स्थान में बैठना ये लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरी जानकारी आपके लिए यह दे दूं कि आपके कर्म क्षेत्र में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्म क्षेत्र का अधिपति मंगल का 16 अक्टूबर तक आय स्थान में होना यह दिखाता है कि आपको पराक्रमी बनाएगा, धनी बनाएगा, नए नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर को प्रदान करेगा। कर्म क्षेत्र एक ऐसा घर होता है जिसको दसवां घर कहते हैं, कि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रह शुभ फल देते हैं। एक रोचक बात यह भी रहेगी कि शुक्र जो है यह 18 अक्टूबर को जो है यह तुला राशि में आ जाएंगे, सोह राशि में आ करके माला वियोग बना देंगे। तो जब शुक्र यहां पे आ जाएंगे तो यह सातवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, और कर्क राशि में जो होता है शुक्र आय के और सुख के मालिक होते हैं, तो यह लाभकारी हो जाते हैं। यह एक ऐसा लग्न या राशि है जिसमें एंटी ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्थितियों में देखा जाता है शुक्र, इसलिए कर्क राशि में जिसकी भी शुक्र अच्छी होती है वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है यह भी आ जाएंगे चतुर्थ स्थान में तुला राशि में, और शुक्र इसके स्वामी है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके जीवन में यह भी एक लाभकारी और उन्नतिकारक योग बनाएगा। और 26 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में, मतलब आपके जीवन में 16 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र में थोड़े थोड़े तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही कर्म क्षेत्र में ग्रहों का आना प्रारंभ होगा, यानी 17 अक्टूबर को सूर्य आएंगे, फिर बुध आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, और तीनों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ जाएगी, मतलब 17 अक्टूबर के बाद जो भी आप करेंगे उसमें तरक्की ही तरक्की है, कोई नहीं रोक सकता है। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप किसी काम से बच नहीं पाएंगे, काम आपको मिलेगा ही मिलेगा, अछूता नहीं रह पाएंगे। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा कारक बुध जो है ये प्राकर्म स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु बकरी 2 अक्टूबर से यह मार्गी हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को यह फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। छब्बीस अक्टूबर को फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। द्वादेश का मजबूत होना और शुक्र का 17 अक्टूबर द्वितीय स्थान का अधिपति सूर्य का तृतीय घर में 17 अक्टूबर तक स्थित होना यह दिखाता है कि 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही प्रबल विदेश जाने का योग रहेगा, और भाग्य का मालिक गुरु भी अभी भाग्य स्थान बैठ करके हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, तो यह दिखाता है कि 17 तारीख तक तो बहुत ही प्रबल विदेश यात्रा का योग है। हालांकि इसके बाद भी विदेश यात्रा का योगों में बढ़ोतरी रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें कैसा रहेगा आय की स्थिति, तो आय कारक आपकी कुंडली में ऑलरेडी मंगल है 16 अक्टूबर तक, आय स्थान में मंगल 16 अक्टूबर तक बैठे हुए हैं, क्योंकि मंगल सातवीं दृष्टि से पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, तो जिसका अर्थ ये हुआ कि 16 अक्टूबर तक बेशक बहुत धन आएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बहुत ही बेहतर अवसर देखने को मिलेगा। तदुपरांत क्या होगा कि धन कारक सूर्य भी जो है वो 17 तारीख तक जो है वह कहां बैठे हुए हैं, तृतीय घर में, यहां के कारक माने जाते हैं ये, तो 17 अक्टूबर तक तो धन की कमी नहीं है, 17 अक्टूबर के बाद धन में थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं, आपको 17 अक्टूबर के बाद अपने पैसों को बचा करके रखना चाहिए, बेहतर रहेगा। हालांकि 17 अक्टूबर तक देश विदेश से यात्राओं के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की, विवाह कारक स्थान में शनि बैठे हुए 23 अक्टूबर तक यह वक्री अवस्था में, हालांकि सातवें घर में शनि जो है ये सस नामक राजयोग बना करके रखे हैं, और कर्क राशि में या कर्क लगन में शनि मार्केश होते हैं, पर यह 23 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में है, जिसका अर्थ यह कि इनका पावर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो 23 अक्टूबर तक विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, रिश्ते आएंगे। अगर लव लाइफ की बात मैं करूं तो 16 अक्टूबर तक आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 16 अक्टूबर तक पंचमेश पंचम स्थान को देख रहे हैं, इसके बाद 16 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, और 23 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको निडरता के साथ सावधानी पूर्वक अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करिएगा, अगर करते हैं तो दिक्कतों का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसी सिचुएशन रहेगी भूमि मकान वाहन संपत्ति की और माता पिता की, चतुर्थेश शुक्र जो है ये 18 तारीख तक निचस्त है, लेकिन बुध और शुक्र का नीच भंग राज्यों की भी स्थिति बनी हुई है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में 18 अक्टूबर तक भूमि मकान वाहन में थोड़ी सी संघर्ष होंगे। हालांकि 18 अक्टूबर तक खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर उसमें लाभ मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद आपके पिता से भी तालमेल ठीक हो जाएगा, माता से भी संपत्ति की प्राप्ति होगी, चारों तरफ ख्याति ख्याति आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी, संपत्ति बिकेगा भी और आएगा भी, और सामाजिक ख्याति और माता पिता से लाभ मिलने का। अगर मैं बात करूं संतान और शिक्षा की, संतान कारक मंगल, सीधी बात करता हूं, 16 अक्टूबर तक आय स्थान में है, फिर ये द्वादश हो जाएंगे, द्वादश स्थान में शुभ नहीं माना जाता है मंगल को, तो क्या होगा, 16 अक्टूबर तक शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान की तरक्की, 16 अक्टूबर के बाद शिक्षा में भी बाधा आएगा, संतान सुखों में, संतान से सुखों में, संतान से व्यवहारिकता में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में संतान अगर आपसे दूर है तो नजदीक नहीं आ पाएंगे, संतान नजदीक है तो विदेश यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, या संतान के फ्यूचर को लेकर के दिक्कत रहेगा, शिक्षा को लेकर के दिक्कत रहेगा, तो 16 अक्टूबर के बाद आपको अपनी शिक्षा में ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन इनकी तो खुद ही वक्री अवस्था चल रही है नवंबर तक, ये क्या संभाल पाएंगे, तो 16 अक्टूबर के बाद शिक्षा संतान में ध्यान देना पड़ेगा। रोग ऋण और केस मुकदमा की बात कर लूं मैं, बृहस्पति वक्री है, शनि भी वक्री है, 23 अक्टूबर तक पेट संबंधित प्रॉब्लम और यूरिन संबंधित समस्याएं जो चल रही हैं इसका सामना आपको करते रहना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो है 16 अक्टूबर के बाद सिर दर्द, हृदय संबंधी समस्या और पाचन शक्ति को लेकर के दिक्कत होंगे, संतान का स्वास्थ्य को भी दिक्कत होगा, तो सावधान रहना। पूरे महीने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल में गुड़ डाल के अर्घ्य देना चाहिए 17 तारीख के बाद से, और पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं इसका एकमात्र उपाय है शिव चालीसा का पाठ करिए कर्क राशि वाले, जिंदगी में लाभ ही लाभ मिलेगा, बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप बच जाएंगे। तो प्रिय कर्क राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे।
तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।